उज़बी नशीतर रज़ीम बिस्मिल हाउ आई यू डिया स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंप्लीट आर क्वेश्चन नंबर ऑफ चैप्टर नंबर टू सो प्लीज़ ओपन पेज ट्वेंटी फाइव ऑन पेज ट्वेंटी फाइव है क्वेश्चन नंबर वन इज़ एक्सप्लेन एक्सप्लेन द टू वेज़ टू हैंडल लॉन्ग टेक्स्ट इन एक्सल टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर कहता है कि अगर लॉन्ग टेक्स्ट आ जाता है कोई लॉन्ग राइटिंग है सेल के अंदर तो आपने उसको दो तरीके यूज़ करके मैनेज करना है एक रैप टेक्स्ट है और दूसरा मर्जेंट सेंटर है तो कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं प्लीज कम ऑन इट्स आंसर क्वेश्चन नंबर वन इसका आंसर क्या है रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट क्या होता है यू कैन मेक द टेक्स्ट रैप विद इन द सेम सेल आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं रैप का मतलब होता है मोड़ना यानी कि एक ही सेल के अंदर आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं अगर ज़्यादा लंबा टेक्स्ट आ गया तो आप उसको ऊपर नीचे एक ही सेल के अंदर कर सकते हैं द डाटा इज़ कन्फाइंड टू द सेल डाटा एक ही सेल पर मुश्तमिल होगा बट इज़ डिस्प्लेड इन मल्टीपल लाइन्स लेकिन वो आपको ज़्यादा लाइन्स के अंदर नजर आएगा यानी कि सेल एक ही होगा लेकिन लाइन्स ज़्यादा होगी इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट नेक्स्ट हैडिंग है मर्जेंट सेंटर मर्जेंट सेंटर क्या है यू कैन मर्ज एडजेसेंट सेल्स मर्ज का मीनिंग होता है इकट्ठा कर देना एक बना देना यानी कि तीन चार सेल्स को हम लोग एक सेल में चेंज कर दें तो उसे बोलते हैं मर्ज और अगर हम उसको सेंटर में रख लें सेंटर में लेके आए सेल के तो वो सेंटर कहलाएगा तो एंड सेंटर का मतलब होता है कि तीन चार सेल्स को या ज़्यादा सेल्स को एक ही सेल में चेंज कर देना और सेंटर में शो करना यू कैन मर्ज एडजेसेंट सेल्स इन टू वन लार्ज सेल आप एडजेसेंट मीन्स के साथ मिले हुए साथ मिले हुए काफ़ी सेल्स को आप एक ही सेल में चेंज कर सकते हैं एक बड़ा सेल बना सकते हैं द टेक्स्ट विल बी सेंटर अलाइंट सेंटर में आ जाएगा इन सिंगल मर्ज सेल जो आपने सेल मर्ज किया होगा सिंगल उस एक सेल के अंदर सेंटर में शो होगा हो आपका टेक्स्ट तो डियर स्टूडेंट्स इट्स योर आंसर क्वेश्चन नंबर वन सो प्लीज़ लर्न एंड राइट अल्लाह हाफिज़